हाय फ्रेंड, मैं संगीता। होम किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की। इसके लिए हमें चाहिए 3 उबले हुए आलू, कद्दूकस किए हुए, ब्रेड क्रम्स, चावल का आटा, हरा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वादानुसार और एक नींबू का रस। तो पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखते हैं। फिर टिक्की की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू लिए, उसमें 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स, 3 चम्मच चावल का आटा, 3 हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वादानुसार हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। और थोड़ा सा इसमें नींबू का रस निचोड़ेंगे। फिर उसे अच्छी तरह हाथों से स्मैश कर लेना। हमारा ये डो बनकर तैयार हो गया। अब हम इसकी छोटी छोटी आलू की टिक्की बनाएंगे। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा के छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे। फिर हम उस टिक्की को आटे के घोल में डुबा कर इसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो हम इसमें फ्राई कर लेंगे। देखो, ये हमारी अच्छी सी टिक्किया फ्राई हो रही है। उसे थोड़ा ब्राउन कलर करना है। हमारी आलू टिक्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम थोड़ा गार्निश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा दही,
थोड़ा सा दही, हरी चटनी, इमली की चटनी, इमली का सॉस और थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपको आलू टिक्की की डिश पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।